सीरियल को भी किसी के प्यार में चला है हाई वोल्टेज ड्रामा, जहां परेशान गाएगा सभी के लिए गाना और पार्टी में मचाएगा नए रंग। आने वाले एपिसोड में देखने को मिलता है कि सभी की बर्थडे की पूरी तैयारी हो चुकी होती है और सभी अपने बर्थडे पर बाजी राव को भी इनवाइट कर देती है। देखने को मिलता है कि यहाँ पर भाई पार्टी में एक बार फिर से ईशान उसे देख कर बुरी तरह से यहाँ पर जीलियस फील करता है। वहीं पर देखने को मिलता है कि अब ईशान का दोस्त उसे मोटिवेट करते नजर आता है। ये पार्टी तो तूने रखी है और सभी के लिए जो ये पार्टी है उसे स्पॉइल मत करना अपने मूड की वजह से। देखने को मिलता है वहीं पर ईशान उसके दोस्त के कहने पर सभी के लिए बहुत ही धमाकेदार परफॉर्मेंस देते नजर आएगा और सभी के लिए गाएगा गाना, क्योंकि भाई बाजीराव हर चीज में ही एक्सपर्ट है और ईशान को जो है नीचा दिखाने की हमेशा ही कोशिश करता है, ऐसा उसे लगता है। देखने को मिलने वाला है कि यहाँ पर भाई ईशान सभी के लिए गाना गा रहा होता है तो वहीं पर सभी के साथ बाजीराव डांस करते नजर आने वाला है, जिससे कि ईशान पूरी तरह से जेलस फील करेगा और यहाँ पर उसके दिल में जो प्यार छुपा हुआ है वो सच में उसे रियलाइज होने लगेगा और उसका दोस्त कहेगा कि सच में तुझे सभी से प्यार होने लगा है। वहीं पर ये सब कुछ सबको नजर आ रहा होता है लेकिन ईशान इस चीज को कबूल करने को तैयार ही नहीं है। लेकिन यहाँ पर देखने को मिलेगा कि जब सभी बाजीराव के साथ डांस कर रही होती है तो ईशान बीच में जाकर सभी के साथ हाथ थामता है और डांस करते हुए नजर आता है। तो देखने को मिलेगा कि यहाँ पर सभी और ईशान का धमाकेदार डांस, जिसे देखकर शांतनु और ईशा भी काफी खुश हो जाते हैं और हरिणी को साफ साफ पता चल रहा होता है कि ईशान सभी से प्यार करने लगा है। वहीं पर होती है रीबा की एंट्री, जो कहानी में ट्विस्ट लेकर आएगी।